हेलो एंड व्हाट्स अप गाइज, मैं हूं सुमन अस्वाल। आप देख रहे हैं एसएससी मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एसएससी मैजिशियन चैनल में आज के कमाल के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको मैजिक दिखाया, यानी कि जो जादू दिखाया रुमाल के साथ क्वाइन का, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे मैंने उसकी क्लिप म्यूजिक के साथ आपको चला के दिखाई थी। अभी मैं एक बार आपको अपनी आवाज़ के साथ वो जादू करके दिखाऊंगा, उसके परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद उसके रहस्य को आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि एंड में मैं इसका राज जो है आपको बताऊंगा कि हैंकी के अंदर जो है बहुत सारे क्वाइन कैसे गायब हो जाते हैं। तो अगर आप पहली बार भोले भटकते मेरे चैनल पर आ चुके हैं, इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जरूर प्रेस करें। और ध्यान रखना, जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करोगे, उसके बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी मैं भविष्य में कोई नई मैजिक की वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आएगा आप लोगों तक, और आप वो जादू सीख सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी जादू सीख सकें, वो भी मैजिक सीख सकें। तो चलो बिना के आपको बोर, शुरू करते हैं जादू का स्टोर। अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अपनी आवाज के साथ इस मैजिक का जो है परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि इसे कैसे किया जाता है। अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक हंकी है। आपको इस मैजिक में बड़ी सी हंकी लेनी होगी, छोटी हंकी से काम नहीं चलेगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक बड़ी सी हंकी है। अगर आपको लग रहा है इसके अंदर कोई क्वाइन वगैरह है, तो आपको ऐसे करके भी दिखा देता हूँ, इस पर कोई भी क्वाइन नहीं है। अब क्या करते हैं, इस हंकी को जो है अपने हाथ पे लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और हाथ पे देख सकते हो कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम जेब से कुछ क्वाइन निकालते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक क्वाइन के आपको गिरा के आवाज़ भी सुना देता हूँ, आप लोगों ने सुनी होगी। ओरिजिनल क्वाइन है, इसकी वॉइस भी आप लोगों ने सुन ली होगी। तो हाँ, क्या करते हैं, क्वाइन को ऐसे रखते हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार, ये चार क्वाइन हैं हमने क्या किए, इस हाथ पे रखे और इस हाथ पे डाले। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उंगलियों के बीच में क्या करते हैं, इस क्वाइन को जो है छेद कर देते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी नहीं है, ओनली यहाँ पे एक होल कर रखा है, और क्वाइन मेरे इस हाथ पे हैं सभी के सभी। हम क्या करते हैं, एक एक करके क्वाइन को इसमें डालते हैं, एक दो तीन चार, हमको चार क्वाइन को इसमें डाल दिया है। आप लोग देख सकते हो चारों क्वाइन जो है इसमें जा चुके हैं। अब क्या करते हैं, आप कुछ मैजिक करते हैं, इस पर कुछ जादू करते हैं, और यहाँ से पकड़ते हैं और ऐसा कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो क्वाइन ना ही नीचे गिरे हैं और ना ही इस हैंकी पे है। आप लोग इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे भी क्वाइन अवेलेबल नहीं है। तो आपको मैजिक कैसा लगा, अगर आपको ये मैजिक अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने देखा होगा कि क्वाइन जो है वैनिश हो चुका है, और आप चाहो तो इसे दोबारा भी ला सकते हो। अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक खाली हैंकी है और खाली हाथ है मेरे पास। हम क्या करते हैं, इस हंके पे कुछ मैजिक करते हैं, कुछ जादू करते हैं। इसको यूँ हाथ पे लेते हैं, कुछ मैजिक करते हैं, आबरकटाबरा गिली 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 छू। जैसे ही कुछ मैजिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वाइन आ जाते हैं, एक दो तीन चार। अभी हंकी को दिखाता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल खाली हंकी पे कुछ भी नहीं है, हंकी बिल्कुल खाली है, और क्वाइन जो है हंकी के अंदर से आ चुके थे। तो ये मैजिक आपको कैसा लगा, अगर आपको मैजिक अच्छा लगा, जादू अच्छा लगा, आप इसे
आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल जीरो बैलेंस में से कर सकते हो। तो अगर आप ये मैजिक दिखाना चाहते हो तो आपको इसके थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी और आप इस जादू को आसानी से दिखा सकते हो और आसानी से लोगों को जो हैरान कर सकते हो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड कमाल की मैजिक ट्रिक की वीडियो लेके आता रहता हूँ और आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। तो ये मैजिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिमाग को हिला देने वाला है। आप इस मैजिक को अपने घर में अपने भाई बहन फैमिली मेम्बर्स इत्यादि को आसानी से दिखा सकते हो और उनको भी मनोरंजन कर सकते हो। तो चलो यार चलते हैं इस मैजिक के ट्रिक एंड ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, इस मैजिक का जो है ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि इसका राज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे आप लोग कैसे कर सकते हो, मैंने कैसे किया और जादूगर कैसे करते हैं। सबसे पहले उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस जादू में अगर कोई भी मैजिक हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो स्टेज मैजिक हो, चाहे वो कितना भी बड़ा जादू क्यों ना हो, जब तक उसका राज आप लोगों को पता नहीं चल जाता है तब तक आपको लगता है कि मैजिक वाकई में शानदार है, ज़बरदस्त है। अगर आपको उस मैजिक का राज पता चल जाता है तो आपको लगता है नहीं यार ये तो आसान था, ये हम भी कर सकते हैं। तो मैजिक ऐसा ही होता है कि दिमाग लोगों के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि जादूगर ने कैसे किया, उसे ही मैजिक यानी कि जादू कहा जाता है। तो चलता हूँ इसके ट्रिक एंड ट्यूटोरियल में आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, इसका ट्रिक जो है काफ़ी आसान है और काफ़ी सरल है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक हंकी, और ज़रूरी नहीं कि आपका ही हंकी होगा, इसे आप किसी भी पब्लिक का ले सकते हैं। अगर आप स्टेज पे दिखा रहे हो तो किसी पब्लिक में किसी का भी रुमाल ले सकते हो और किसी से रुमाल के भी दिखा सकते हो। पर हाँ, रुमाल अगर थोड़ा बड़ा होगा यानी कि हंकी अगर थोड़ा बड़ा होगा तो मैजिक करने में आसानी होगी आप लोगों को और काफ़ी अच्छा रहेगा। छोटे रुमाल पे भी कर सकते हो, और ये ज़रूर नहीं कि रुमाल जादूगर का ही होगा, किसी का भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, किसी से भी ले सकते हो, आपके दर्शक से उससे ये दिखा सकते हो। बस इसमें ट्रिक क्या करनी होती है आप लोगों को, इसमें आपको 5 से 6 क्वाइन चाहिए होते हैं और एक हंकी चाहिए होता है और एक चीज़ चाहिए होती है आपको, वो है रबर बैंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक रबर बैंड जिसे बालों पे यूज किया जाता है वो मेरे पास है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले परफॉर्मेंस करने से पहले, जादू दिखाने से पहले आपको क्या करना है, रबर बैंड को अपनी 2 उंगलियों पे कुछ इस प्रकार से डबल फोल्ड कर देना है ताकि रबर बैंड टाइट अच्छे से रहे। यहाँ पे देख सकते हो रबर बैंड को कुछ यहाँ पे ऐसे रख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये हंकी है, हमको क्या करना है, ये रबर बैंड को पब्लिक को शो नहीं करना है, कुछ इस प्रकार से दिखाना है ताकि ये जो रबर बैंड है ये ना दिखे। ओके, हंकी को ऐसे शो करना है कि ये देखो हंकी है, नॉर्मल सी हंकी है। हंकी आप किसी को भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है, आप पब्लिक में किसी को भी दिखा सकते हो और कोई भी दर्शक रहने दो उसको ये हंकी दे के दिखा सकते हो कि देखो इस पर कुछ है तो नहीं, तो देखेगा कि रुमाल पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वाइन निकालने हाथ को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखना है, हाथ खाली ही होगा, हाथ पे कुछ भी नहीं होगा, हाथ को यहाँ पे रखना है कुछ इस प्रकार से और दिखाना है कि बिल्कुल खाली है, ठीक है, इस प्रकार से खाली है। आपको इसके बाद क्या करना है, क्वाइन निकालने अपने जेब से, ठीक है, कुछ सिक्के रहेंगे आपके जेब में जो 5 से 6 सिक्के होंगे और पब्लिक को ये सिक्के भी दिखा सकते हो कि सिक्के पे कुछ भी नहीं है। ओके, उसके बाद आपको एक सिक्का गिरा के दिखाना है कि ओरिजिनल है, ये दिखा भी सकते हो, गिरा के नहीं भी दिखा सकते हो, या पब्लिक को डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हो, हाथ में दे सकते हो। अब आपको बोलना है मेरे हाथ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वाइन को हाथ पे रखना है, फिर इस हाथ पे लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रबर बैंड है इसको यहाँ से ऐसे कर देना है, कपड़े के नीचे कुछ इस प्रकार से कर देना है। कैसे, आपको कपड़े के नीचे रबर बैंड को इस प्रकार से करना है और यहाँ पे एक छेद करना है। अब ये छेद कहाँ पे होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो रबर बैंड के आर पार जो है ये कपड़ा जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही रबर के आर पार छेद होगा तो यहाँ पे आपको क्वाइन डाल देने हैं 1। सो फ्रेंड्स, सॉरी इस बात के लिए कि मुझे वीडियो के बीच में थोड़ा कट देना पड़ा, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से। तो हाँ, मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था कि आपको क्या करना है, यहाँ से इस रबर को कुछ इस प्रकार से कर देना है कपड़े के अंदर, ठीक है। जैसे आपके हंकी आपके हाथ के ऊपर रहेगी तो रबर को इस जैसे 2 फिंगर पे रहेगा छुपाया हुआ, तो यहाँ को हमको अंगूठा फंसा के कुछ इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद कपड़े के अंदर इस प्रकार से दिखेगा नहीं लोगों को, आपको क्या करना है, इसके अंदर कपड़ा ऐसा डाल देना है, बोलना है कि हम उंगलियों के बीच में जो है क्वाइन डाल रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 जैसे ही क्वाइन इसके अंदर डालेंगे तो हमें ये छोड़ देना होगा, जैसे ही हम छोड़ देंगे तो हमारा रबर यहाँ पे क्वाइन को लेके
ऐसे रह जाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा कुछ ऐसा। तो हाँ, लोगों को लगेगा कि कॉइन जो है इसमें रखे हुए हैं, उसके बाद ये पकड़ना है और ये कर देना है और हाथ खाली और कॉइन वैनिश। ठीक है, तो ये मैजिक है, ये ट्रिक है इस मैजिक की, काफ़ी आसान है और काफ़ी सरल है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग देख सकते हो कॉइन जो है हमारे इसी हैंकी पे है। आप लोग देख सकते हो कॉइन यहीं पे हैं, बस वो रबर की सहायता से जो है यहाँ पे अटक चुके हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कॉइन यहाँ पे अटक चुके हैं। जब हमें दोबारा निकालने होते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे हिला के हिला के हाथ को दिखाते हैं खाली, इसको लेते हैं कुछ यहाँ पे इस प्रकार से। जैसे ही लेते हैं तो दिखाते हैं कॉइन को, रबर को थोड़ा ढीला कर देते हैं यहाँ से इस प्रकार से, और दिखाते हैं कि कॉइन यहीं पे है। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से इस हंकी को कुछ इस प्रकार से करते हैं और कॉइन हाथ पे और हंकी एकदम खाली। ठीक है, ये है ये मैजिक। इसका राज बहुत ही सरल है और काफ़ी इजी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे रबर बैंड है, अपने हाथ पे कुछ ऐसे लपेट देना है। ठीक है, उंगलियों पे, दो ओनली टू फिंगर्स पे, ये मिडिल फिंगर एंड साइड फिंगर, इस पे आपको इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको हंकी दिखानी है, यानी कि रुमाल दिखाना है कुछ इस प्रकार से, खाली। किसी का भी रुमाल हो सकता है, आपके दर्शक में से किसी का ले लीजिए, जरूरी नहीं कि अपना ही रुमाल होगा। पर ध्यान रखिए, ये जो उंगली है ये थोड़ा छुपा के रखनी पड़ती है ताकि रबर बैंड ना दिखे, इतना ही बस। ये रबर बैंड किसी को शो नहीं होना चाहिए, आप दिखा सकते हैं बिल्कुल खाली। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से हाथ लेना होता है, और हमारे जो हाथ ले लिया इस पर जो है रबर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉइन लेने होते हैं या किसी और से भी ले सकते हो सिक्कों को, आपको दिखाना होता है, देखो बिल्कुल खाली खाली खाली। उसके बाद हमको इसके अंदर यहाँ पे ऐसे करके क्या करना होता है, ऐसा ये अंगूठा जो है इन फिंगर के बीच में डालना होता है और रबड़ को ऐसे खींचना होता है। ठीक है, जैसे ही खींच देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे खींचेंगे यहाँ पे, उसके अंदर कपड़ा घुसाना होता है, यानी कि गड्ढा टाइप में बनाना होता है। ठीक है, जैसे ही बना लोगे फिर क्वाइन को इसके अंदर डालना होता है इस प्रकार से, और फिर इसको जब गड्ढा बना रखा है तो हमें इसको छोड़ना पड़ता है इस प्रकार से। जब छोड़ दोगे तो आपका क्वाइन जो है ये रबर टाइट कर देगा और गिरने नहीं देगा। आपको हंकी को इस प्रकार देखना होता है कि देखो हंकी एकदम खाली, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल। ठीक है, तो यही था इसका ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग देख सकते हो, और जब दोबारा निकालना है तो इस प्रकार से करेंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे और वजन वो जो सिक्का है वो हाथ पे आ जाएगा इस प्रकार से। और दोबारा से दिखा सकते हैं कुछ निकाल के इस प्रकार से कि देखो कॉइन वापस आ चुके हैं। तो इसमें आप कॉइन को वैनिश करके वापस भी ला सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये मैजिक आपको पसंद आया होगा। ये काफ़ी शानदार मैजिक है और ईजी मैजिक है, आसान मैजिक है। इसे थोड़ा प्रैक्टिस करके आप आसानी से कर सकते हो, अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये मैजिक आपको अच्छा लगे, ट्रिक आपको अच्छी लगी, इसमें आपको एक रुपये भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस मैजिक को कर सकते हो और अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हो जरा सी प्रैक्टिस करके। तो फ्रेंड्स, अगर आप जादू का कोई भी सामान खरीदना चाहते हो, A to Z जादू का सामान खरीदना चाहते हो, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके मेरे से मैजिक का सामान खरीद सकते हो। A to Z हमारे पास A to Z मैजिक का सामान अवेलेबल रहता है, चाहे वो बड़े स्टेज का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो 150 का हो, चाहे वो 1,500 का हो, चाहे वो 1,50,000 का हो, हमारे पास A to Z मैजिक आइटम्स रेडी है। आप तुरंत कॉन्टैक्ट करें और मैजिक आइटम्स को अपना बनाएं 93 075 013 पे कॉल करके। फ्रेंड्स, मेरा नंबर, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है मेरे नंबर का कि आप इस समय कॉल करें, 24x7 हावर्स आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो कभी भी। आपको जब नंबर दिखे आप तब कॉल कर दो, मेरा कोई टाइमिंग नहीं दे रखा है कि हाँ इसके बीच में ही मैं कॉल उठाऊंगा। और मैं सबके कॉल रिसीव करता हूँ और सबको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देता हूँ। एक बार आप कॉन्टैक्ट करके ज़रूर देखें, सेवा का मौका दें, हम आपके प्रोडक्ट जो है आपके पास ज़रूर पहुँचा देंगे। तो चलो यार, हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट कमाल की मैजिक ट्रिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।